For last week of publication and posted for final hearing. OS 162/2005 के केस की आखिरी हियरिंग के लिए 3 महीने का टाइम दिया जाता है। केस की सुनवाई 3 मई 2012 को होगी। सात सालों से इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई। 3 महीने बाद खुद कोर्ट फैसला कर देगा कि हरि नारायण नाम का आदमी इस दुनिया में है ही नहीं। कानूनी भाषा में कहा जाए तो सिविल डेथ। अब आगे कानून में और कोई दांव पेच तो नहीं बचे ना? क्यों वकील? अगर ऐसा होता तो मेरे वकील बनकर इस कोर्ट को पहनने का क्या फायदा आनंद? अब सब कुछ खत्म हो चुका है, छोटी सी फॉर्मेलिटी है, न्यूज़पेपर में इश्तेहार देना है बस। हरि अब जिंदा नहीं है, ये कोर्ट की तरफ से आखिरी फैसला, फिर मामला खत्म। अब किसी भी न्यूज़पेपर में एक स्टैम्प साइज की छोटी सी खबर देनी है, उसके बाद तो कोर्ट खुद ही फैसला कर लेगा। एक बार वो आखिरी फैसला आपके हाथ में आ जाए तो उसके बाद तो सब आपका ही है ना। हरि के नाम की 127 एकड़ की जमीन आप जैसे चाहे बेचकर मजा ले सकते हैं। अनिल कहाँ है? वो यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्या वो भी भाग गया? हरि के नाम का जो एक बेड बनवाया था ना, वो अब बेकार पड़ा है क्योंकि वो मर चुका है। 3 महीने के बाद कोर्ट खुद ही फैसला कर देगी और उसके बाद उसकी सारी दौलत को उसके सगे रिश्तेदार यानी कि हम लोग भोगने वाले हैं। ओहो, तो मेम साहब भी यहीं पर है जो मर गया है। उस आदमी को पाने के लिए तुम सालों से व्रत रखकर तपस्या करती आई हो ना? अब बस करो, बंद करो, वो अब नहीं आएगा। अरे तुम टेंशन मत लेना, जिसे मारना था वो तो गया। भले ही मैं अमीर नहीं हूँ लेकिन तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे शादी करूंगा। चलो निकल जाओ यहाँ से। मुंह बंद कर अपना, ये तेरा घर है क्या? वो पहले था, मेरे चाचा ने गलती कर दी तुम्हारी बुआ से शादी करके, बस उसी वजह से तुम लोग यहाँ पर सुख भोग रहे हो। इस पूरी जायदाद पर बहुत राज कर लिए, अब वो समय खत्म हो चुका है, अब ये हमारी जायदाद है। बकवास बंद करो और जाओ। ए बुढ़िया, अच्छा होगा तो इन लोगों के रहते ही मर जाए, कम से कम 6 गज जमीन तो मिल जाएगी, वरना नगर पालिका वाले ले जाएंगे। चल जा यहाँ से। जिस तरह तेरा बाप कीड़े पड़ने से मरा था ना, तू भी बिल्कुल वैसे ही मरे, यही पर मर जाएगी। आखिरी बार बोल रहा हूँ, तेरा जो प्यारा भाई है ना अनिल, उससे कह देना कि अगर ये केस खत्म होने के बाद दोबारा कोई अपील लेकर आया ना तो काट कर खेतों में फेंक दूंगा। कहाँ है तेरा मालिक अनिल? हम यहाँ पर हैं। अरे तू डर कर पेड़ पर क्यों चढ़ गया है? तुम तो फका जे, हम तुमसे डरेंगे? अरे हिल कह रहा है, थोड़ा रुको ना, उनको लगेगा कि हम डर रहे हैं। पैर का रस्सी नीचे गिर गया है, हिम्मत है तो ऊपर लाके दिखाओ। ए आनंद, अब तो समझ में आ गया ना कि हम तुमसे कितना ऊंचाई पर हैं? तू चाहे जितनी ऊंचाई पर रह ले लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन ले कि सालों से तुम लोग जिस जायदाद को भोग रहे हो ना, उसे बंद करो। बस 3 महीने बचे हैं, फिर कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा, फिर ये सब हमारा हो जाएगा। उसके बाद किसी ने भी छुआ ना तो उसके हाथ पर तोड़ दूंगा। तब का तब देखेंगे, अभी तो 3 महीना बचा है ना, अभी तो मालिक हम हैं। तू नीचे उतर बे,
हम काहे आए नीचे? तू मर्द है तो ऊपर आके दिखा ना। तुम्हारा हिसाब हरी के लिए छोड़ दिए हैं, वही हिसाब लेगा तुमसे। अब तुम्हारा हरी वापस नहीं आएगा। अगर आ भी गया तो तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, वरना सूरज पश्चिम से निकलेगा। हरी वापस आएगा और सूरज पश्चिम से निकलेगा। तू नीचे उतर बे। ओ, तुमको ऊपर आने के लिए कहे हैं। लेडीज फर्स्ट, पहले ऊपर आके दिखाओ ना। भाई हम जब तक खड़े रहेंगे ये नीचे नहीं उतरेगा, चलना चाहिए। जब तू नीचे उतरेगा ना तब तुझे देख लूंगा। हाँ हाँ देख लीजिएगा। उसका नानी का बर्थडे के लिए फूल चुनने गए थे लेकिन मिलबे नहीं किया, हमरा नीचे आने से पहले ही भाग गया। हाँ, हमारे अनिल भाई को सिखाने चले थे। हाँ, वो है ना। अरे बाप रे, फिर से आ गए। अरे बाप रे, फिर से वापस आ गए का? बुड़बक बना रहे थे हमको। अर्चू बेटा जरा जल्दी कर, अनिल को बहुत भूख लगी होगी। हल्ला मत कीजिए दादी माँ, अनिल भैया टीवी के सामने बैठे हैं, 10 बजे से पहले नहीं खाएंगे। अर्चना, अरे तुम यहाँ पर हो, हम हरी को देखे। कहाँ पर? टीवी पर। जल्दी चलो। मैं हाथ धोकर आती हूँ। अरे चलना, तुम्हारे हाथ धोने बिंदी लगाने तक वो चला जाएगा, जल्दी चलो। फिर से टीवी पर, महीने में कितनी बार हरी बताकर मुझे टीवी दिखाते हैं। वो वाला नहीं है, चल के देखो तो। पंजाब के एक छोटे से गांव में एक छोटा सा बिहार भी बसा हुआ है, ये कहे तो कैसा लगेगा। भैया ये तो फालतू वाला टॉक शो है, मैं नहीं देखती। चुप, यूँ नहीं है। देखिए बिहारी हिंदी बोलने वाले और साथ ही बिहारी संस्कार के लोग, इवन यहाँ बिहार माध्यम का स्कूल भी है और इस गांव का नाम है मल्लू स्ट्रीट। इस मल्लू स्ट्रीट गांव के पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी भी है। 1984 में जब इंदिरा गांधी जी का देहांत हुआ था उस समय पूरे भारत में हलचल मच गई। उस समय हमारे बिहार में भी काफी भगदड़ मची हुई थी। तब वहाँ हमारे गांव से निकले हुए कुछ बिहारी और उनके सिख साथी और सभी लोग यहाँ आकर बस गए, जिसका नाम उन्होंने मल्लू स्ट्रीट रख दिया। बिहार से आने के बाद वो लोग बिहारी संस्कार और अपने बिहार की बिहारी भाषा भूल नहीं पाए। जिस बिहार को उन्होंने वहाँ अनुभव किया उसे बिहार को यहाँ पर लेकर आए। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मल्लू स्ट्रीट में एक बिहारी मीडियम स्कूल भी है और ये हमारे बिहारी पंजाबी बच्चे। नमस्कार बच्चों। मल्लू स्ट्रीट के बारे में और भी अधिक जानकारी आइए हम इनसे लेते हैं। देख देख जल्दी देख, यह चाय दुकान पर हरी को पहला बार देखे थे। चाय की दुकान नहीं भैया, उसे ढाबा कहते हैं। ढाबा एक ही बात है, यहाँ चाय दुकान हुआ ढाबा। तू पहले वो देखो। यह है मिस्टर वीर प्रताप सिंह जो मल्लू स्ट्रीट के बहुत बड़े बिजनेसमैन में से एक है। आइए इनसे बात करते हैं। सर आप बिहार में कहाँ रहते थे और यहाँ कैसे आए? हम लोग धर्म से सिख जरूर हैं लेकिन कर्म से बिहारी ही है ना। वहाँ बिहार में मैं स्पेयर पार्ट का बिजनेस करता था। कुल कितनी फैमिली होगी? 20 से ज्यादा होंगी। और आपका परिवार? 5 बच्चे हैं और वाइफ भी पंजाबी है और मेरा एक बेटा है, अब सारा बिजनेस वही देखता है। उनका नाम क्या है? उसका असली नाम है हरिंदर सिंह लेकिन यहाँ के लोग उसे दूसरे नाम से बुलाते हैं, मल्लू सिंह। ये कैसा नाम है भाई? माँ बाप पंजाब से है और रहते बिहार में है तो हो गया ना मल्लू सिंह। मल्लू सिंह, जैसे बिहार और पंजाब मिल गए वैसे ये नाम भी मिल गया। तुम अभी तक निकले नहीं क्या? ट्रेन छूट जाएगी। अर्जू। हाँ भैया। कहाँ है? बस अभी आई। सुन बेटा, एक बार फिर से अच्छी तरह से सोच ले। काहे? तू अपनी जिंदगी में पहली बार ट्रेन से जा रहा है। दादी माँ हमको ऐसे मटर आइए? मुझे डर है, हम एक बार हरी को ढूंढते हुए दिल्ली पहुँच गए थे, वैसा ना हो। अनिल ने अनजाने में जब किसी बिहारी को हरी समझकर पकड़ा था ना, उसके बाद बिहारी ने जो हमें भगाया था ना, मुझे अच्छी तरह याद है। आपने जिसे टीवी पर देखा वही हरी है, इसका क्या सबूत है? एक जैसे 7 लोग होते हैं इस दुनिया में। हाँ ठीक है, अपनी पड़ोसन जो अब कलकत्ता में रहती है ना, उसका बेटा और तुम्हारी शक्ल एक जैसी लगती अच्छा? है। रामू काका, बाबूजी के लिए कलकत्ता बहुत दूर तो नहीं था? स्कूल में पढ़ते समय परीक्षा में तुझे 10 नंबर भी नहीं आया करते थे। हे भगवान, न जाने ये वहाँ क्या करेगा। दादी माँ देखिए, हमको डराइए मत आप। पंजाबी कोई बड़ी बात नहीं है, हमने कितने लोगों को कहाँ कहाँ नहीं भेजा है। सच्चे? मैं तुम्हें सिखाता हूँ, कुछ नहीं है, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा तुम बोलो। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। मानी मुश्किल जरूर है लेकिन बोल लेना ना। अरे रामू, तू भी तो इसके साथ जा सकता है ना। मुझे पता था, इसीलिए तो मैं इतनी देर से पंजाबी नहीं बोल रहा था। मेरे जाने के बाद यहाँ मेरे काम को कौन देखेगा? अनिल भैया, हरी को गए हुए पूरे 7 साल हो गए,
उसने एक चिट्ठी तक नहीं लिखी। आपको क्या लगता है कि वही हरी होगा? हरी को हम उसका परछाई से भी पहचान सकते हैं। वो कहीं छुप जाए, उसको वापस लेके आएंगे। तुम परेशान मत हो, हम वहां पहुंचते फोन करेंगे। चलते हैं दादी। हिंदुस्तान की भाषाएं सीखिए। भाई जी, ये कितना का है? सर 20 रुपए। तब तो सस्ता है। हाँ। ये लीजिए। ट्रेन आ गया? ये लो। भाई जी जल्दी कीजिए, पहला ही जाके सीट पकड़ लेते हैं। अब हम अंदर जाएं? अरे क्या हो रहा है भैया? अरे भाई जी, अरे हमको, सुनिए, हमको अंदर जाना है। तो कोई नहीं है ना? पकोड़ा 10 के 2। पैसा खर्च हो जाएगा। आप बिहारी हो ना? हाँ, पर आपको कैसे पता चला? आपकी हरकतें कुछ ऐसी हैं। आप भी बिहार से हैं? नहीं तो? तो बिहारी नहीं आता है? नहीं आता। बीमार पड़ना है का? ए, क्या हो रही है? क्या है ये? हाँ? अरे क्या कर रहे हैं भाई? ये लड़की लोग का सीट है। तू चुप हो जा। मैं क्या चुप हो आया? ओ तू मेरे नाल गल कर। सीट तेरे प्योदी नहीं हगी। कहाँ है कौन सा सीट तेरे प्योदी है? तो फिर की? तू चुप है? मैं क्या कर रही है ना? क्या कर रही है? कुड़ी को मैं पुलिस नू मैं बुलावांगा। ये कौन सी भाषा में बात कर रहा है? कॉल पुलिस। आई विल कॉल पुलिस। हां हां, पुलिस नू बुलाऊंगा। हां बुला पुलिस नू। नो नो प्रॉब्लम, नो आई सॉरी। बोल क्या हैवी कम हो गया है? तो अरे हम कहीं झंडे पे पड़ने जा रहे हैं। चद्दर तान के सो जा। ये अचानक इतना शांति कैसे हो गया? अरे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लगता है सब लोग चल गए। ए सुनो, का है नाम? का है तुम्हारा? मेरा नाम पूजा। अब नंबर मत मांगना, मैं दूंगी भी नहीं। तुम्हारा नाम नहीं पता, जाना भी नहीं चाहती। नहीं जानना है तो सो जाते हैं, करवट ले लेते हैं। इधर ही देख रहे हैं।
पटियाला उतरना था ना, स्टेशन आ गया है। ये पंजाब में सब लोग सरदार हैं का? एको गो इंडियन नहीं दिखता है, इनसे पूछते हैं। सुनिए भाई जी, हमको वो मल्लू स्ट्रीट जाना है, केले है। आया नहीं जाना है, वो हमको मल्लू स्ट्रीट जाना है, केले है, किधर है, किधर? ए पागल है की? पागल? तेनु समझ विच नहीं आंदा, चल नट है तो नट, लोग हमको गुड़बक समझते हैं। लगता है किताबें में सब कुछ गलत छपा हुआ। अच्छा ठीक है, अरे बाप रे, ऐसा ही एक लड़की हम ट्रेन में देखे थे, ऐसा ही आँख था, ऐसा ही नाक था, ऐसा ही चेहरा भी था, लेकिन कपड़ा ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं था। हेलो, नाटक मत करो। हाँ तो तुम ही हो, इतने जल्दी कपड़ा बदल लिए। सच कहे तो यहाँ पर मेरा भाषा किसी को समझ में नहीं आ रहा है। आप मेरा मदद कीजिएगा, हमको मल्लू स्ट्रीट जाना है। इसको कैसे कहेंगे हमको बता दीजिएगा तो आपको परेशान नहीं करेंगे, एकदम में नहीं। मैं भी वहीं जा रही हूँ। गजब बात है। एगो बात जानती है, हम लोग बड़ा किस्मत से मिल गए हैं। ये मल्लू स्ट्रीट कहाँ पर है? ये गाड़ी वहीं जा रही है, बैठ जाओ उस पे। बैल गाड़ी? सत्रीकाल जी। ड्राइवर इलो हमरा बैग, ये भी वहाँ पे रख दो। हम लोग साथे में आए हैं, ये हमारी प्यारी है, प्यारी। पंजाबी लगता है, हमरा बात समझा नहीं, हम लोग दोस्त है ना। प्यारी प्यारी, एक मिनट। अभी पांच लो, ये रख लो। लो रख लो, सब रख लो, लौटाना नहीं है, जाइए जाइए। ₹5 दिए हैं, बेचारा लगता है, दिखने में तो नहीं लग रहा है लेकिन हमको लगता है। चलिए बैठिए। आप हमरा बारे में बिल्कुल नहीं जानती हैं, हम पैसा का बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं, बांटते ही रहते हैं, खानदाने दान धर्म वाला है। चल दिया। उतरते समय दाहिना पैर नहीं पड़ना चाहिए, हे भगवान। बच गया, दाहिना पैर नहीं पड़ा। क्या हुआ भाई जी, आप हमको मार कह रहे हैं? देखिए हम आपको ₹5 दिए हैं, कम है तो और दे देते हैं। उसको समझता क्या बे साले, मल्लू सिंह की बहन से पंगा लेता है। अरे तुसी क्या कर रहे हो भाई, अरे किताबों बैग में पड़ा हुआ है, सांड को कैसे समझाना, हम क्या गलती की है? चमड़ी उधेड़ के रख दूंगा साले। अरे आप हमको तो बिहारी रखते हैं, अब हमको ऐसे काहे मार रहे हैं? हाथ मत लगाना साले, पीछे हट। इसने मल्लू सिंह की बहन को छेड़ा है, अगर मल्लू सिंह भी माफ कर देगा ना तो भी पप्पन नहीं छोड़ेगा। छोड़े यार, मल्लू सिंह की बहन मेरी भी बहन है, लेकिन अगर एक बिहारी पर हाथ उठाए तो मार दूंगा साले। हट साले, छोड़ना किसे। इभी बिहारी? हे भगवान, हम अभी बिहारी में है का? लोग आपस में कह लड़ रहे हैं, क्या कर लेगा बेटू, क्या करेगा? मत कह दो अपने आप को, चल भाग जाओ से। ए जा, तेरे बारे में जानता नहीं, तुझे फाड़ा लूंगा। ए याद रखना, तू इसने मल्लू सिंह की बहन को प्यारी कह के बुलाया है ना, अगर दोबारा कभी ये यहाँ दिखा तो ये पप्पा ने इसे छोड़ेगा नहीं। भाई जी,
ये प्यारी कहीं गाली तो नहीं ना? रुक, 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 रुक। क्या प्लान है तुम्हारा? तुम खरीदोगे? कल मैंने खरीदी थी, आज तू खरीदेगा, समझे क्या? आज के लिए इसको पकड़ लेंगे। प्यारियों का नाम ढूंढना नहीं चाहिए ना। साले कमीने, जल्दी आ जाना। ओके ओके, तेरी बात समझ गया ना। निकल, तोड़ा वो तुझे लाना है। साले भिखारी, अरे चल बे, निकाल। इसे छूने की कोशिश कोई नहीं कर सकता, ये अपना आदमी है। आप तो उसको डराइए दिए। यहाँ सब लोग मुझे देख कर डरते हैं। कौन हो तुम? कौन है तू? भैया हम अनिल। भाई बोलता है? किसका भाई? तेरा कोई भाई भाई नहीं है, मैं अकेला भाई हूँ। बस मेरे दो बड़े भैया नहीं, हम तो अपना नाम बताए थे, अनिल। अनिल अच्छा नाम है। चलो, और यहाँ कैसे आना हुआ? हम एको हरी नाम का लड़का ढूंढने आए हैं। हरी को? हे भगवान, वहाँ पर है का? वहाँ नहीं है, मैं जानता था उसे कोई तो ढूंढने जरूर आएगा। देर क्यों हो गई? गड़िये लेट हो गया। उठाओ। किसको? इसे उठाओ। हम उठाएं? हाँ ठीक है। सच कहूँ तो अपने यहाँ के लोगों को मैं दुखी नहीं देख सकता, पर तुम बेधड़क चलो। नमस्कार। 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 तुम मत झुको, नमस्ते मुझे कहा। मैं इस पूरे इलाके में बहुत फेमस हूँ ना, इसलिए अब इसे ध्यान से उतारो। कोई तो हमरा मदद कर दो भाई। अरे ये मेरी दुकान है, यहाँ सारे दूध का प्रोडक्ट मेरे ही है। ए, हरी कहाँ है? गौशाला। सब मेरे आदमी है, इसलिए तुरंत जवाब देते हैं। चलो मेरे साथ, मुझसे कोई भी सवाल नहीं करता है। चलो, यहाँ पर जितनी भी गाय देख रहे हो ना, वो सब मेरी है। अपनी लुंगी जरा नीचे करो। फिर अगर तुमने मुझे इज्जत नहीं दी तो मेरे गायों को गुस्सा आता है। हरी नाम बताया था ना तुमने? अनिल। अनिल हम है, हरी। अरे हाँ भैया। बेटा हरी, इतने दिनों के बाद आज तेरा बड़ा भाई आ ही गया। अरे ये वो भैया, मेरे भैया। अब आगे भैया। ये भैया पापा मम्मी के साथ। अरे तो पापा मम्मी पीछे। हरी क्या? ये हरी नहीं है। तू हरी नहीं है? ऐसे क्यों बोल रहा है? एक बात ध्यान से सुन ले, इसका कोई नहीं है, जानकर इसे खिला पिला कर इतना बड़ा किया है। तू कह रहा हरी नहीं है, तोड़ डालूंगा तुझे। अरे भाई जी, सच में ही हरी नहीं है? क्या मैं आपका भाई नहीं हूँ? हरी नहीं है पर एक जैसे दिख रहे हो, बस बस ये काफी है, यही तुम्हारा भाई। अरे नीचे उतर, नीचे उतर। सच में ये वो हरी नहीं है? यहाँ कोई दूसरा हरी नहीं है का? दूसरा हरी? क्यों, इसमें क्या कमी है? इसे खाते हुए तुमने देखा नहीं आज तक? नहीं देखा। एक समय में एक गटर घास ही खाती है, लेकिन इसे चार पैकेट बीड़ी लगती है। आज तक मैंने इस पर जितने पैसे खर्च किए हैं, वो सब पैसे मुझे देकर जाओ और इसे ले जाओ। गले लगाओ इसे, गले लगाओ। लगा लिया। चल छोड़ मुझे, छोड़। भाई ने जो कहा वो सुना ना, सेटलमेंट के बाद ले जाना मुझे। तुमको दिखाते हैं, लगता है गाय बुरा मर गई। अब गाएंगे, जब तक गाते गाते हार्ट अटैक नहीं आ जाता तब तक गाएंगे। ऐसी कौन सी लड़की जिसने धोखा न दिया हो? अगर है तो बताओ मुझे, मैं जानता हूँ। मेरे अन्नू के पापा ने मुझे कहा था कि पेटी भरकर पैसा कमाओ, फिर अन्नू से शादी करवा दूंगा। उस गुस्से में अपना नाई का सामान उठाकर यहाँ पर चला आया पैसे कमाने के लिए। और ये पंजाबी लोग दाढ़ी मूछ बढ़ा लेते हैं, ये सोचकर यहाँ पर बाल कटिंग की दुकान खोलने आया। यहाँ आने के बाद पता चला कि मरते दम तक भी ये लोग दाढ़ी मूछ नहीं कटवाते हैं। उसके बाद में अपने गांव वापस गया तो अन्नू की शादी किसी और से हो गई। अन्नू के साथ मेरे जीने का सपना झट से टूट गया। सपना टूटने के बाद पंचर कट्टी उजोड़ रहा हूँ, पंचर की दुकान। अब तुम क्यों उठा रहे हो? क्या मैं नशे में हूँ? ऐसा लगता है। आराम से बैठ जाओ, ये हमेशा ऐसे ही होता है। ये सब एक नॉर्मल बात हो गई है। चुप कर अब। तुम चुप करो, जब तुम्हारे बोलने का समय आएगा मैं बताऊंगा। ओके, इनसे मिलो। ये है कार्तिक, 6 साल पहले गांव में झगड़ा करके यहाँ आ गए थे। करोड़पति कहते हैं, करोड़पति। इनके पास एक छेद छेद वाली चड्डी और फटी हुई लुंगी है, बस बस यही कमाया इन्होंने आज तक। ऐसे भिखारी लोगों को देखकर मल्लू सिंह ने इसको अपने पास रख लिया। पप्पन की तरह ये भी मल्लू का दाहिना हाथ हुआ करता था।
जानते हो उसके बाद इसने क्या किया? क्या? मल्लू सिंह की बहन को इसने अपने प्यार में फंसा लिया। उसके बाद मल्लू सिंह ने क्या किया? ठोक बजा के इसको बाहर कर दिया। चुप कर, तुम बैठ जाओ। मेरी तरफ देखो, मैं सुंदर लगता हूँ ना? बताओ मुझ में क्या कमी है? उस समय मैं थोड़ा सा काला था, तो वो मेरी गलती है क्या? बस इसी वजह से वो मल्लू सिंह अपनी गोरी बहन से मेरी शादी नहीं करवा रहा है। सुनो भाई, तुमने सुना होगा ना, उस मल्लू सिंह ने सबके सामने कहा कि अपनी बहन की शादी किसी गोरे मर्द से करवाए। तब से मैं रोज 1 किलो फेयर लवली अपने शरीर पर लगाता हूँ और थोड़ा खा भी जाता हूँ। तब से मैं सूरज को देख कर डरता हूँ और हमेशा इस छाते को अपने साथ लेकर घूमता हूँ। तुम ऐसे सर पर कपड़ा ढककर क्यों आ रहे थे? किससे डर कर भागे थे तुम? मल्लू से और किससे? उसे पता चला कि मैं अभी भी इस कमीने के साथ घूमता हूँ ना, तो मेरी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। तुम डरो मत अनिल, ये कोई बाहर का आदमी नहीं, अपना ही आदमी है। यही प्रॉब्लम खड़ी करता है। अगर इसे पता चले कि मल्लू की बहन को किसी ने देखा। किसने मल्लू की बहन को देखा? हम नहीं देखे। तो सिर्फ एक बात कही यार। हाँ बोलो बोलो बोलो। लेकिन ये मुझसे सहन नहीं हो सकता। मल्लू की बहन मेरी बहन है। तो तू मारेगा? हाँ मारूंगा, जो भी मल्लू की बहन को देखेगा मारूंगा। अरे वो नहीं यार, तू दारू मारेगा? हाँ मारूंगा। अरे यार ज्यादा मत मार, ये प्रॉब्लम वाला तो नहीं है। ये प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम में ये है, ये किसी हरी को ढूंढने आया है। कौन सा हरी? तेरा बीड़ी वाला हरी क्या? अरे वो कमीना नहीं यार, हरिंदर। वो कौन है? वो बताता हूँ, पहले पियो। तुम जो हरी बता रहे हो वो कौन था? वो कौन था नहीं, वो का था ही पूछना ज्यादा ठीक रहेगा। हरी हमारे गांव का सब कुछ था। कैसा चल रहा है सब काम? तुम सब लोग ठीक तो हो? ये भी कोई पूछने वाली बात है जी, आपके घर का काम कभी रुका है क्या? हाँ। वो छोटे मालिक कहीं नहीं दिख रहे। अरे उसका यहाँ क्या काम, जब सारे फसल कट जाएंगे और धान से चावल तैयार हो जाएगा तो उसे खाने आएगा, बस वही काम वो ठीक से करता है। छोटे मालिक और अनिल मालिक साथ नहीं रह सकते क्या? जब देखो लड़ते रहते हैं। चाहे कुछ भी हो, छोटे मालिक आते हैं तो कटाई में मजा आता है। ज्यादा बातें मत करो, हम ही लोग कर लेते हैं। फसल काटने से पहले रुक जाओ, हमारी जमीन पर कटाई के लिए बहुत सारे लोग हैं हमारे पास। अच्छा, ये सारे लोग हैं ना, तुम चाहो तो हरी को हम हिस्सा दे सकते हैं। दोनों एक ही परिवार के हैं ना, ये इनका ही हक है। इन लोगों का कैसे, इस पर हमारा हक है। अब तक इनकी देख रेख राघव करता आया है, आगे भी ऐसा ही होगा। इस जमीन पर बीज मैंने बोए हैं, तो इसे काटूंगा भी मैं ही। इतने साल क्या क्या ये सुनाने की जरूरत नहीं है? हरी के बाप ने यानी मेरे छोटे भाई ने मरते समय दिमागी हालत ठीक न होने की वजह से तुम्हें किसी तरह से पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया था, जिसे दिखाकर तुम इतने सालों से हमें नचा रहे हो।
अब बहुत हो गया, समय बदल चुका है राघव कुमार, बच्चे सब अब बड़े हो चुके हैं। ये देखो एक से एक शेर खड़े हैं यहाँ। अच्छा कहा गोविंद काका, अभी ना पागल शेर जंगल छोड़ के फसल काटने लगे हैं। कहा रामू काका, इस शेर को कबो गुस्सा आ सकता है? हाँ शेर को गुस्सा आता है ना जब उसे बहुत प्रेशर बना होता अच्छा, है। पप्पा ये लोग भौंकना जानता है, ये लोग को और कोई काम नहीं है, आप इन लोगों को हंसिया दीजिए, टाइम बर्बाद मत कीजिए। बेटा हरी, जो चीज तुम्हारी है उसे इस आदमी ने अपने कब्जे में रखा हुआ है, इसीलिए तुम्हारे भैया साथ में आए हैं सारा हिसाब करने। अब तुम तो जानते ही हो, तुम दोनों एक ही खून हो। जानता हूँ, लेकिन जब वो नारियल चुराने जैसी गंदी हरकतें करते हैं तब भूल जाते। कम से कम इन लोगों को कुछ तो सिखा दीजिए, उसके बाद अगर मर मरा गए ना तो मुँह में गंगा जल डालने वाला कोई नहीं होगा। गालियाँ सुनकर मार खाकर भी इन्हीं के पैरों के पास पड़ा रहे, एक न एक दिन ये आदमी तुम्हें मार कर भगा देगा, याद रखना। चलो पहले ध्यान को केंद्रित करो, फिर किसी खेल को खेलो, भले ही वो जिंदगी का खेल क्यों ना हो। जब मैं तुम्हारी तरह जवान खून था तब मैंने ये सब हथिया कर अपनाया, पर आज की तारीख में सिर्फ मैं खून के घूंट पी कर रहा हूँ। बाबूजी आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि उस कमीने राघव ने जो कब्जा कर रखा है वो एक एकड़ जमीन नहीं है, लगभग 125 एकड़ जमीन है, उसके अलावा जायदाद अलग है। सीधे तरीके से जाओगे तो तुम लोगों को एक टुकड़ा जमीन का भी नहीं मिलने वाला। इस तरह से सीधा अधिकार उस हरी को जाता है। उस जमीन को तुम लोग आपस में बांट लो, पर उसका एक ही रास्ता है, खत्म कर उस हरी को और राघव को खत्म कर दो, उसके बाद तेर भी रख देना शांति के, उसका हक है हमारे पास, हम रिश्तेदार हैं ना। हो सकता है उन्हें काटते वक्त हमारे हाथ पैर कांपे, पर मेरे हाथ नहीं कांपे थे। हरी के बाप को यानी अपने छोटे भाई को मारते वक्त मेरे हाथ नहीं कांपे थे कभी, लेकिन तब मैंने एक गलती कर दी, हरी को जिंदा छोड़ दिया, यही सोचकर पछता रहा हूँ। लेकिन अब आपको पछताने की जरूरत नहीं, उन्हें हम खत्म कर देंगे। अनिल आधा किलो चीनी दे। ए हरी सुन, क्या आधा किलो चीनी दे दे। क्या कहा? अरे इसको आधा किलो चीनी दे दो। आधा किलो चीनी। इसमें 1.5 किलो चीनी है, आधा किलो का पैसा दे दो काफी है। बंधु भाई उसके नाम आधा किलो चीनी। अरे ये यहाँ दुकान पर क्या कर रहा है? हरी को थोड़ा पैसा चाहिए था। हाँ लेकिन किस लिए चाहिए? वो नया बिजनेस शुरू। कितने पैसे चाहिए? कितना चाहिए? बस 10,000। इतने में हो जाएगा? मैनेज कर लूंगा। ये मैनेज कर लेगा, एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, बिजनेस करेगा। तूने कौन सा बिजनेस छोड़ा है अब तक? दारू की दुकान खोलेगा, बस अपनी डिग्री को बगल में दबा कर रखूंगा। ये नहीं कि कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले, बिजनेस करेगा। मेहनत वाला काम तो कर नहीं सकता, चले हैं बिजनेस करने। तुम्हारी तरह ही तो है ना वो भी, उसे देख कर सीखते क्यों नहीं? माना वो 10वीं तक पढ़ा है लेकिन हिसाब किताब तो रखता है ना। और एक तुम हो, तुम्हें BA की डिग्री दिलवाया वो भी मेरी गलती थी। फालतू सोचना बंद करो और पहले ठीक से काम करना सीखो। सुन जी, मैं पंचायत होकर आता हूँ, तब तक तुम दुकान का ख्याल रखना। ठीक है। और हाँ इस पर जरा ध्यान रखना। ठीक है। बिजनेस करेगा। मैं पागल हो चुका है तेरा बाप, 10 पैसे की अकल नहीं है उसे। उनके जाने के बाद बोल रहा है। ए, तू ये सब लेकर कहाँ जा रहा है? जाकर बेचने वाला हूँ, तभी से मांगो तो तेरा बाप देता नहीं है, ऐसे ही कमाना पड़ेगा, मुझे भी तो खर्चा चाहिए ना। अरे अरे पप्पा पकड़ लेंगे। चिंता मत कर, नहीं पकड़ पाएगा। हे भगवान। हिलना मत लक्ष्मी। ए कहाँ जा रहे रे? अरे मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी जा रहा हूँ, सुना है वहाँ कोई लोन दे रहा है मोटरसाइकिल के लिए। वो कोऑपरेटिव सोसाइटी ना दे तो रहे हैं, लेकिन विकलांग लोग को हाथ पैर तुड़वा लो मिल जाएगा। वो अपने बाप को दिला, समझा? ठीक है।
ए अनिल सुनना, मैं दूध निकालू क्या? अरे मन कर रहा है काहे? अबे देना यार। किसका? तेरी तरह धन तो नहीं दबा सकता लेकिन कोशिश तो कर सकता हूँ ना। चलो हट। ठीक जय गौ माता। थोड़े संभल के। तुम भी कैसे कैसे काम करते रहते हो, सारा दूध नीचे गिरा दिया, अब पापा बहुत डांटेंगे। कुछ लोग का ऐसा ही इच्छा होता है। क्या? क्या? वो दूध दूध धोने का। तुम यहीं पर काम करते रहो, कल मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। पापा बता रहे थे कि बहुत बड़ा घर है उनका और लड़का दिखने में भी बहुत अच्छा है। तो जाओ शादी कर लो ना। हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ, अगर यहाँ रही तो बूढ़ी हो जाऊंगी। इधर आओ। तुम काहे चिंता कर रहे हो, हम लोग उनको भगा देंगे। तो फिर कहाँ से शादी होगा? अरे हम बताते हैं ना, हमारे पास बहुत दिमाग है। अबे ये तो सफेद धोती कुर्ता और चश्मे वाला पुराना मॉडल है, मानेगा? कहा, कहा? सफेद कपड़ा आंख में चश्मा, लगता है मास्टर है। तुम लोग कौन हो? मैंने पहचाना नहीं। हम भी नहीं। लेकिन तुम्हें किससे मिलना है बेटा? तू शुरू करना। आप गंगाधर जी? वो मैं ही हूँ बेटा, आओ बैठो। चल अंदर चल के बैठते हैं, आज शादी रुकवाइये के रहेंगे। देखने में तो बुढ़ा का भी खुसट है। अब भी बैठिए ना सर। हाँ बेटा। अब बैठना। आप रिटायर्ड मास्टर गंगाधर जी हैं ना? हाँ बेटा। नंदू के बाऊजी? हाँ बेटा। गोमती जी आपकी धर्मपत्नी है ना? हाँ मेरी धर्मपत्नी है। तुम लोगों को क्या चाहिए ये तो बताओ। हम देख रहे थे कि हम लोग सही जगह आए हैं ना। तुमने बताया नहीं कि किस काम से आए हो। तुम बताया नहीं काहे आए हो? अरे बोलो बेटा, बताओ। काम भी करने से पहले बता दो। हम चिंटू ई मिंटू, हम पासे के गांव में रहते हैं। मास्टर जी अगर आप चाहें तो एक एक नहीं दो आत्महत्या रोक सकते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। समझे नहीं? मैं सुकू हूँ, पास के गांव में ही रहता हूँ। अरे वो तो बता चुके तुम। तो बताइए चुके हैं। आपका लड़का जिस लड़की से शादी करने जा रहा है ना अश्विनी, उसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, कुछ भी कर बैठूंगा मैं। बहुत बड़का पागल है मास्टर जी, कुछ हो कर सकता है। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा काम मत करना। अरे बेटा हर समस्या का हल होता है, हम वहाँ देखने गए थे ये सच बात है, लेकिन हमने कोई बात पक्की नहीं की है। पक्की करना भी मत, मेरी जिंदगी का सवाल है। इसका जिंदगी का सवाल है मास्टर जी, जिंदगी का। तो हम चलते हैं गंगाधर जी। चलते। ठीक है मिंटू। क्यों कैसी रही? हम तुमको पहले ही बताए थे ना, हमरे में बहुत दिमाग है। ऐसा दिमाग वाला काम तुम आगे से हमसे ही पूछना, समझ गया ना? काट डालूंगा तुझे। अपनी ही बहन की शादी रुकवाने गया था? कभी सोचा तुम दोनों ने कितनी बड़ी गलती की है? अब तुम दोनों बच्चे नहीं रह गए हो। मेरी मर्जी चलेगी, मैं जिस लड़के से चाहूं अपनी बेटी की शादी करवा सकता हूं। एक भिखारी भी मंदिर के सामने भीख मांगकर मेहनत करके अपना पेट भरता है, तुम क्या करते हो? क्या हुआ, जुबान पर ताला लग गया? तुम्हारे भी दिल में इसके लिए कोई चाहत है क्या? अगर है तो निकाल दो, यही हम सबके लिए अच्छा होगा। ए, अगर इसका साथ तुमने दोबारा दिया और मुझे ये बात पता चल गई तो तुम्हें काट के फेंक दूंगा। इससे कुछ मत कहिए, इस सब की वजह मैं हूँ। मेरे कहने पर इसने ये सब किया था। इतनी अच्छी दोस्ती है। जब इसके लिए शादी का रिश्ता आया था तो मैं इसे भगा कर ले जाना चाहता था। लेकिन लेकिन तो ले क्यों नहीं गया? ले गए होते ना साथ भगा कर। तुम नहीं ले जाओगे मैं जानता हूँ, कमाना न धुमाना भगा के ले जाएंगे। पहले मर्दों की तरह खुद के पैरों पर खड़े होकर दिखाओ, उसके बाद शादी की मांग रखना, तब मैं सोचूंगा क्या करना है। और हाँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो यहाँ नहीं रह सकते, कहीं और चले जाओ। हरी बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे पैसों की जरूरत है, काम मिलने तक भूखा तो नहीं मर सकता ना। ए हरी, तुम कहीं नहीं जाएगा। मत रोको मुझे, मैं फैसला कर चुका हूँ। हरी तुम चिंता मत करो, मैं वापस आऊंगा तुम्हारे बाबा जैसी योग्यता पाने के बाद। अपने बाबा को कह देना कि इन पैसों का हिसाब रख ले, ब्याज समेत लौटाऊंगा उन्हें। कुछ भी हो
आपको उसे इतना डांटना नहीं चाहिए था। है तो बिन माँ बाप का अनाथ बच्चा ना। सावधानी से, कोई सबूत नहीं बचना चाहिए। आज ही खत्म कर देना उस कमीने की औलाद को। ठीक है फिर रामू। हाँ सवेरे होते ही तुम आ जाना, पानी पटाने अनिल आ जाएगा। नहीं वो मैं कर लूंगा, अनिल को दुकान पर जाने दो, लंबी उम्र है इसकी देखो। हा? क्या बात है, अब यहाँ कैसे? हरी चल गया। चला गया? लेकिन कहाँ? पता नहीं, अब नहीं आएगा। काहे पापा, आप काहे उसको परेशान करते हैं? इससे काप को शांति मिलता है। इस सब पर कब्जा करके आप अपना बच्चा लोग को देंगे का? ये बात है तो हरी का ये सब जमीन का एक को टुकड़ा हमको नहीं चाहिए। तुमने भी अपने बाप को इतना ही जाना है ना? आज तक मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। गोविंद जैसा कहता है वैसा मेरे पास कोई पावर ऑफ अटर्नी नहीं है। ये सारी की सारी हरी की ही जायदाद है। मैं तो सिर्फ इसका एक पहरेदार हूँ। सिर्फ उसे सुधारने के लिए ही मैं उसे डांटता रहता हूँ। यहाँ जो कुछ भी दिख रहा है उसके बाप ने मेहनत से कमाया था, कहीं ये सब बर्बाद ना हो जाए यही सब सोच के परेशान रहता हूँ। और अर्चना भी उस हरी की ही है। हरी के बाप के मरते समय मैंने उनसे वादा किया था, जमीन बेचकर वो कितने दिन जी सकता है, उसे नौकरी करनी होगी, अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। सिर्फ इतना ही मैं चाहता हूँ, उसके अंदर लगन पैदा करने के लिए मैं ये सब कहता रहता हूँ। तुम चिंता मत करो, वो हमें छोड़कर नहीं जाएगा, मैं बुलाऊंगा उसे। मेरे लिए तुम और हरी एक ही हो। हाँ तुम घर जाओ, वहां दादी और अर्चना अकेले होंगे, वो घबरा जाएंगे। जाओ मैं हरी को लेकर आता हूँ। जाओ। हरी हरी रुक जाओ, मैं कह रहा हूं ना तुमसे, रुक जाओ हरी। हरी रुको, मैं कह रहा हूं ना रुक जाओ। हरी रुक, तो मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? छोड़ो मुझे। हरी हरी ये क्या कर रहे हो? इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, दोनों को एक बार में खत्म कर दो। जायदाद के लिए तूने अपने अंकल को ही मार डाला। जान से मार दो इस कमीने को। हरी को उसके बाद हम लोग कभी नहीं देखे। तो ये बात है, अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए तुम यहाँ पर आए हो ना? कैसा बदला? मेरे पापा को हरी ने मारा ये सिर्फ अफवाह है। हम लोग का जिंदगी में अंधेरा करने वाला हरी भी हमारे बारे में यही सोच रहा होगा, लेकिन हम लोग को सच बताने के लिए ऊपर वाला ने अपना तीसरा आँख खोला। कौन है? डाला।
सात साल तक पुलिस कोर्ट और पैसा का ताकत से आनंद गवाह सबूत मिटाकर वो केस जीत गया। ये बीच हम हरि को हर जगह ढूंढे, हर चेहरा में तलाशे। अब तीन महीना बचा है, हमको कोई भी हालत में हरि को गांव वापस लेके जाना है, ना तो जिंदगी भर पप्पा जिस जमीन का देखभाल किए वो सब बेकार चला जाएगा। हरि के जमीन का हमको एक को टुकड़ा नहीं चाहिए, लेकिन पप्पा की बात वो दिल से लगा बैठा, उनकी बात को वो पूरा करके ही वापस आएगा, ऐसा वो मेरी बहन को बोला। वो उसका इंतजार कर रही है और हम भी। तुमने जो कहा वो सच हो सकता है, पर ये वो हरि नहीं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। और हाँ, वो कोई बिहारी नहीं है, वो तो एक सिख है। उसके साथ माँ बाप और चार बहनें भी हैं। हरिंदर का एक बड़ा परिवार है और उसे अपने परिवार से बहुत प्यार है। बस उसकी एक ही प्रॉब्लम है, उसकी बहन को कोई आंख उठाकर देख ले तो समझो गया। पागल किशोर भूल गया तेनु? ओए किन्नी सोनी कुड़ी आई हैगी। देखना जे आज उन्हें मेरे नाल बदतमीजी की थी ना, जे तेरी सौ में आज उन्हें जुतियां नाल मारांगी। ओ मेरी चमक छलो किथे चली है, एक मिनट मेरी गालता सुन ले, आज ते फैसला करके ही जाना है। तेरी माँ पैनू जाके बोलना, ओए फैसला करेंगे। जे नहीं छड़िया ना के बच्चे ने मेरी बहन पर हाथ उठाने की जुर्रत की है। मैं हाँ, की करेगा तू? Come on.
आपको चल। बाऊजी। बेचारे किशन की तो वाट लग गई आज। ये क्या काम किया किशन तूने? उसके शरीर में बिना पंचर की हुई कोई जगह नहीं बची, क्योंकि उसका वॉल ट्यूब भी काट कर फेंक दिया उसने। दुकाने बंद कर दे क्या? फिर फट जाएगी ना? हैं? दूर फट जाएगा कहाँ? हाँ। अनिल। हाँ। जरा बाहर तो आओ। मसल्स दिखा रहा है, डर तो नहीं लग रहा है? वो सामने जो सांड दिख रहा है ना, वही है हरिंदर सिंह। पढ़ने के लिए भेजते हो ना, वो सब छोड़कर हमारे घर की लड़कियों को पढ़ाने की कोशिश की ना, तो इससे भी बुरी हालत करूंगा मैं इसकी। अच्छे से समझा दो इसको, वरना इसका तो सुना ना, ये मल्लू का भाषण है, इसे हमारे गांव में हाथी का कुचलना कहते हैं। वो साला भिखारी हमारी तरफ देख रहा है, उसकी दुकान की तरफ देख के कुछ बोल दो, बहुत चढ़ी चढ़ी है उसे। लगता है वो कमीना हमारी तरफ इशारा कर रहा है। लगता तो नहीं है। सब लोग कान खोल कर सुन लो, पुरानी दोस्ती की वजह से मेरी बहन के पीछे कोई आया, तुझे ही बोल रहा है वैसे। शरीर की सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। साला चला गया, वरना उसे आज बता दूंगा। अब समझ गए ना, ये तेरा हरी नहीं है। समझ गए। हाँ। हम जिस हरी को ढूंढने आए थे वो यही है। कहाँ जा रहा है तू? वहां जाकर पीटेगा क्या? वो मेरा साला इसलिए बड़ाई नहीं कर रहा, बहुत कमीना है वो, उससे मिलना बहुत जरूरी है। अनिल रुक जा। जाने तो इसे, जाकर खुद ही सम्मान लेने दे। अरे नहीं, हरिंदर सिंह। हमारे नाम के साथ जब सिंह जुड़ता है ना तो फखर होता है। वैसे तू मुझे बुला सकता है मल्लू सिंह। अंदर कितने हैं? इतना टाइम हो गया, ढाबे पर नहीं गया अब तक? आज बच्चियों को कपड़े दिलवाने बाजार ले जा रहा है, लोहड़ी आ रही है ना पास। अच्छा, लेकिन उसकी आंखों पर पट्टी बांध कर भेजना, वरना अगर किसी ने बच्चियों को देखा तो अपना होश खो बैठता है। उसके बच्चियों के साथ बाहर जाने पर मुझे तो चिंता होती है। अपने शेर बाप कर के आयो? क्यों नहीं। जिंदा रहे हो पुत्र। दुकान थी नहीं गया तो था, लेकिन इन लड़कियों को बाजार जाकर कुछ खरीदारी करनी है ना, इसलिए पप्पन को भेजा है मैंने, वो दुकान संभालेगा। ओए मुझे उस पर इतना भरोसा नहीं है, शक्ल से ही बेवकूफ लगता है। चिंता करते हैं बाबूजी, बहुत अच्छा लड़का है वो, इन बच्चियों को अपनी बहन जैसे मानता है। नीतू, नीतू को जब प्रॉब्लम हुई थी तो बहुत परेशान हो गया था। किरण ये क्या पहना तूने? कोई ढंग के कपड़े नहीं है तेरे पास? भैया ऐसा आजकल तो फैशन है। दूंगा एक तुझे, फैशन की बच्ची। माँ भैया छेती करो ना, फिर साड़ी को ड्रेस खरीदने के लिए टाइम नहीं रहेगा ना। हाँ चलो, मैं अपनी दवाई ले लेना, हर बार की तरह भूलना मत, ठीक है?
ठीक है पुत्र। भाई आज दुकान पर नहीं आना? शाम को जाऊंगा। भाई चिंता मत करो, इतना टाइम है कि तुम लोग सभी दुकानों पर घूम लोगे। जगह तुझसे कितनी बार कहा है दूध बेचते समय भीड़ मत पिया कर। तो भीड़ पीते वक्त दूध मत बेचा कर। दूंगा घुमा कर। तेरा बड़ा भाई है तो क्या हुआ, भगा दूंगा तुझे मैं। मेरा भाई है वो? तो मेरा भाई है, तुम ही तो हरी को ढूंढने आए थे। मुझे कुछ मत दो, लेकिन हरी को लेकर जाओ यहाँ से। मान लो हम कहीं मंदिर जाते हैं तो कोई हमारी चप्पल चुरा लेता है, तो हम वहाँ से दूसरी चप्पल उठा लेते हैं। ऐसे ही तुम भी समझ लो। हाँ भाई, ये अच्छा है, तुम इसे ले जाओ। हमरा हरी पूजा रहे। सत्यकाल। देखो वही है किरण, देख रहे हो ना उसकी आंखों में प्यार। वो देखो, वो हमारी पूजा है, हम देख सकते हैं उसका आंख में प्यार। क्या आप देख सकते हो मेरी आंखों में प्यार? क्या एक मेरे भी साइज की उतरी है भैया? तू हमारा भाई नहीं है लेकिन तू को मारेंगे क्या यार? आज तक मेरे बाप ने भी थप्पड़ नहीं मारा। जाओ। ओए होए की माला देख, भाई चुपके ले जी। वो देखना ऐसे मधुमक्खी की तरह घूम रहे हो, अगर मल्लू ने देख लिया तो आशोले भड़क जाएंगे। मल्लू आ जा, किरण। हाँ? भैया ये भी ना खुद को हिटलर समझता है। अगर ऐसे ही रहा तो एक दिन ये मुझसे खूब पिटेगा। तुमने उन लड़कियों को देखा ना, सब के सब बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं, है ना? उनकी वही आंखें, उनकी वही नाक, और पता नहीं क्या क्या सामान दिखता है। मैं बिहेवियर की बात कर रहा था। तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वो बात नहीं है यार, इसके आने से कहीं इसकी जिंदगी खराब ना हो जाए कह रहा हूँ। हाँ एक काम करो, तुम मेरे साथ लग जाओ, मैं तुम्हें पंचर बनाना सिखा दूंगा। बनाना नहीं, जोड़ना। जोड़ना? वो तुम्हारा हरी है या नहीं जाने का एक ही रास्ता है बस। वो क्या? जोड़ना उसके साथ, उस पूजा के साथ। ये क्या है यार, जैसे रबर को खींचते ना वैसे मल्लू खींचकर दीवार पर चिपका देगा इसे। चुप है, तुम आओ। प्यार का नाम सुनते ही ये चिड़चिड़ाने लगता है। अब तुम्हें उसको, उस पूजा को पटाना होगा। तुम्हें उसके दिल पर ताला लगाकर चाबी अपने हाथ में लेनी होगी। जैसा तुमने बताया, अगर वैसा मल्लू के जीवन में कोई रहस्य है तो उसकी मदद से तुम्हें वे ताले खोलने होंगे। वो कैसे होगा, वो तो 24 घंटा अपने कपार पर भाई का टॉर्च बांधकर घूमती रहती है। अरे बेटा अनिल, उसका एक रास्ता है। अगले हफ्ते यहाँ एक साइकिल की रेस होने वाली है। उस रात मल्लू स्ट्रीट सोने वाला नहीं, दिन रात सारे लोग खूब मौज मस्ती करने वाले हैं। तुम जानते हो, ऐसे ही एक समय में मैंने अपने किरण को फंसाया। तुम भी मेरी तरह स्मार्ट हो, तुम जरूर कर दिखाओ। ये क्या हो रहा है? ए, क्या हुआ था? अरे फंसा ना, यहाँ बैठकर भैंसों को लाइन मारा, कमीने इंसान, मारो इसे। अब सर झुकाकर बैठने का कोई फायदा नहीं है। क्या क्या बोलता था ये, मल्लू की बहन मेरी बहन है, अब उसकी तरफ किसी ने देखा भी ना तो। अब खत्म हुआ इसका खेल, इन भैंसों से इसका चेहरा कुटवाना चाहिए। अबे कमीनो, मैंने उससे कई बार नाना किया लेकिन नहीं माना। कौन? मैं खुद, और उससे प्यार कर बैठा इसलिए। जरा देखो तो इस आशिक की शक्ल। हमने जो काम बोला था उसका क्या हुआ? एक बात बता, इसे मल्लू के घर के अंदर घुसा सकता है या नहीं, जवाब अभी के अभी चाहिए। इसको किस भरोसे पर लेकर जाऊं?
नीतू के अलावा बाकी सब तो हमारी बहने हैं ना। अरे रुको, अब मैं और सहन नहीं कर सकता इसकी हरकत को। अभी मल्लू को जाकर कहता हूँ, मुझे जाने दो। मैं किसी भी तरह से मल्लू के घर में घुसा दूंगा। रास्ते पर जैसा कहा था, अगर मल्लू इस हरी का भाई निकला तो हमारे दो तरह से फायदे हैं। उस बिहारी को जमीन पर गिरा कर मारेंगे और उसकी बहनों से शादी कर सकते हैं, फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा तुम्हें कोई काम आता है? हम सब काम कर सकता हूँ। यहाँ कोई काम करने के लिए आदमी की जरूरत है तो वो काम बस इन भैंसों को चारा देना है। अरे गाय भैंस तो हमारी जान है जी, हमारा परिवार जैसा है। उनका देखभाल का मौका मिलेगा तो हमारे लिए पुण्य का काम होगा। इसका बाप गाँव का बहुत बड़ा दूध वाला है और ये भी, ये अपने गाँव में अपने दूध के लिए बहुत मशहूर है। जो भी हो, हरिंदर से तो पूछना ही पड़ेगा ना, पप्पन को तो पता ही है। यहाँ लड़कियों के होने की वजह से किसी मर्द को रखना उसे अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि हर किसी पे पप्पन की तरह भरोसा तो नहीं कर सकते ना। पप्पन के जैसा हम पर भी भरोसा कर सकती हैं आप? आप कहेंगे तो हरिंदर मान जाएगा। मेरे दूर का रिश्तेदार है ना, वो जो घर से बुआ जी भाग गई थी उनका लड़का। ठीक है, मैं देखती हूँ। जी अच्छा, तुमसे जरूरी बात करनी है। आओ। माने अगर कहा है देख लूंगी तो समझो काम हो गया है ना। लेकिन तुम्हें एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूँ, तुम यहाँ लड़कियों को गलती से भी मत देखना, और अगर कोई लड़की तुमसे बात करने की कोशिश भी करे ना तो तुम्हें एक शब्द भी नहीं बोलना है, गूंगा बन के रहना है, समझ गए ना? समझ गए, अपने चुप चुप के फिल्म के शाहिद कपूर की तरह। वो कौन है? हमारी बुआ का लड़का। ओह, लेकिन हम वैसा गा तो सकता हूँ ना। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात, ये पागल तो नहीं हो गया? ए, चल। हमको लगा गोबर पर पैर पड़ गया। मल्लू ने अगर तुम पे पैर रख दिया ना तो बचेगा नहीं, संभाल कर रहना उससे। ये जितनी भी गेहूं की फसल देख रहा है ना, यही काम करना है तुझे, सोच ले। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। माँ एक रोटी देना। माँ तुम बोल क्यों नहीं रही हो, बिना सोचे समझे हाँ कर देती हो। अगर किसी को भी काम पर रखना है तो तुम्हें नहीं लगता पप्पन को पहले मुझे पूछना चाहिए था? वो जानता था मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एक कमीने को पहले भी काम पे रखा था, तू शायद ये बात भूल गई है, मुझे ही उसे लात मार के बाहर निकालना पड़ा था। ये वैसा नहीं है पुत्र, देखने से ही पता चलता है कि बेचारा बहुत शरीफ है, गरीब है, इसीलिए तो उसने किसी दूसरे के घर में काम करने के लिए हाथ फैलाए हैं। अब कोई सामने से मांगे तो कैसे ना कर सकते हैं पुत्र, वो भी एक बिहारी है। माँ तू भी ना बहुत पोली है, मैंने जो कहना था कह दिया, अब आगे तेरी मर्जी है। वैसे है काम? वो क्या है, तो हम सभी काम कर सकते हैं। की क्या? हम कह रहे थे कि हम सभी काम कर सकते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ के भी कुछ भी नहीं कर पाते। अब देखिए कैसे हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बैलेंस करके खड़े हैं। इस सर्कस में सीखे एकदम नहीं, ऐसे ही बहुत सारा काम करके हमें लोगों का दिल जीतना चाहिए। अब उदाहरण के लिए देखिए, देखिए ना, देखिए, जरा ध्यान से देखिए। तुझे उड़ने का बहुत शौक है? पप्पन बोला था कि काम उड़ उड़ के करना चाहिए, इसीलिए हम गाय भैंसों के लिए रखा है, बस उन्हीं की देखभाल करो समझे। काम दिया नहीं और सीधा बेडरूम में घुसने की कोशिश है? अरे बाप रे, ये लड़की का बेडरूम है? सच में हमको नहीं पता था, ये बेडरूम है? तू अंदर चल। पुत्र, यहाँ ड्रम गिरने जैसी आवाज क्या आई थी? कोई ड्रम नहीं गिरा था, हम गिर गए थे, बल्ब लगाते समय गिर गए। तो बल्ब लगा दिया ना तुमने? नहीं, हम नीचे गिरे तो बल्ब उड़ गया। बल्ब उड़ गया? हाँ। तू नहीं समझेगी माँ, ऐसे बेवकूफों के हाथ में घर का काम दोगी तो यही होगा ना। अब तू कान खोल कर सुन ले, तेरा काम खेतों की तरफ है, घर पर नहीं, समझा? डर मत पुत्र, दिखने में सख्त है पर दिल का नरम है। वैसे ये आपका बेटा एकदम नहीं लगता। सही कहा तूने।
इंसाफ कहते हैं। अपने बाबूजी की छाया पड़ी है इस पे। चल बेटा अब खा ले इसको। मल्लू का बात नहीं सुना, तुम ही लोगों का देखभाल करना है हमको, समझ गए? तुम्हारे नौकर हैं हम। आ जाना, इसीलिए तो हम आए थे यहाँ पर, तुम लोगों का गोबर साफ करने के लिए। बस ऐसे ही करते रहना है तुम लोगों का सेवा हमें। खड़ा होके हमको देखता रहिए, चुपचाप से इसको खाओ, नहीं तो हमको गुस्सा आ गया ना। तुम रुको, एक मिनट में आ गया। ठीक है मत खाओ, एक एक करके तुम्हारे मुंह में ठूसते हैं। अरे अनिल, तुम्हें सामान लेकर बाजार जाना होगा। तुम कहाँ जा रहे हो? पता नहीं मेरे पास कितने सारे काम है। क्या करूँ, मल्लू का भरोसे का आदमी जो ठहरा। यहाँ कहाँ देख रहे हो? कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम जल्दी जाओ गाड़ी पर। हमको ये घास तो... अरे छोड़ो इसे। ठीक है हम ही जाते हैं, जल्दी जाओ। जाओ जाना। क्या हुआ, काहे बुलाया मुझे? बता दो, इस घर से भागने की सोच रहा हूँ। अकेले चिल्ला क्यों रही हो? अकेले ही जाओगी? अकेले नहीं, तुम्हें साथ लेकर। अगर आज नहीं भाग पाए तो जिंदगी में कभी नहीं भाग पाएंगे। या तो तुम्हारा भाई मुझे मारेगा या फिर बाहर के लोग मुझे मार डालेंगे, लेकिन पिटना तो पक्का है। तो अब हम क्या करें? हम लोगों को यहाँ से भागना होगा, एक यही तो काम है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दीदी, दीदी, का है? चलो ना, मैं भी तुम्हारे साथ बाजार चलूंगी। ना ना ना, ये रिस्क हम नहीं लेंगे, मल्लू देख रहे तो गोली मार देगा। प्लीज ऐसा मत कहो, मुझे एक जरूरी काम है। अरे कोई जरूरी काम नहीं होगा, हमको हमारा काम करने दीजिए। अब नीचे उतरिए। प्लीज दीदी। अरे वो गाड़ी निकालो जल्दी, वो मुझे ढूंढती आ जाएगी, जल्दी करो ना। हम कहे ना गाड़ी से नीचे उतरो। चलो वरना सर फोड़ दूंगी। तो ऐसे प्यार से बोलिए ना, हमको कोई भी डरा के काम नहीं करवा सकता। हमको दे दीजिए दीदी, यहाँ सब मशीन घुमाना पड़ता है। भैया। हाँ बोलो। दीदी किथे है? हाँ वो तुम्हारी दीदी। नहीं नहीं हम नहीं देखे हैं, चले। दीदी दीदी, रुक बे। इधर टोल नाका है क्या? हाँ जी, क्या हुआ? तू पहले बाहर आ। तू कहे? इस सामान को मैं ले जाऊँ। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें भी तो अपनी लाइफ प्लान करने देना। तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तुम बाहर आओ। अरे मैं क्या कर रहे भाई? अब मैं घर आऊँगा। क्या है हमारा लाइफ बर्बाद करना? पैदल जा। अरे बाप रे, हिटलर आ गया। तुम नीचे झुक जाओ। तुम डरना मत, मैं तो रोज ही ऐसा करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। क्या कर रहा है? हम कितना बार मना किए लेकिन नहीं माना, इतना बड़ा रॉड दिखाकर हमको डरा दिया। अब क्या करते आप ही बताइए। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं तेरा बाजार में इंतजार कर रहा हूँ और तू यहाँ टाइम पास कर रहा है? हम कहा है कि हमको फसल देखने के बाद में थोड़ा ठंडा लगा, तो हमको जोर से लग गया, तो हम इधर रुक गए। कोई नहीं, इसे मैं ले जाता हूँ, तू अपनी यहाँ ठंड मिटा, बाइक को दुकान पे ले आना। ठीक है। क्या हुआ? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहा है कि हमको ये गाड़ी चलाना नहीं आता है। कोई बात नहीं, बाइक को यहीं रहने दे, तू पैदल आ जा, अपन बाइक ले आएगा। किस्मत अच्छी है उसकी, आज मुझसे बच गया। गया ना? हमारा तो जाने निकल गया था। कोई बात नहीं, ये तो बस मेरा एक मजाक था। चलो चलते। ठीक है चलो, जल्दी चलते हैं। तुम्हें नहीं कहा, इसे कहा। अरे ए, इसको लेकर कहाँ जा रहे हो? तुम्हें चलाना नहीं आता ना? हम ऐसे ही कह दिए थे भाई। अच्छा? हाँ। क्या बात है, जाता करो तुम। अरे रुको रुको, हमारा बात तो सुनो। हे भगवान, ये तो नहीं। दीदी
तो बहुत छोटा काम है हमारे लिए। क्यों खाना खाने का बहुत शौक है तुझे? हम भैंस का दूध नहीं दूह रहे हैं। तो फिर अब हम गौ माता कहते। मुंह बंद करके काम किया कर, समझा? एक बार दूह के देखो ना, सेहत के लिए बढ़िया रहेगा। तू मेरी सेहत की चिंता मत कर, अपने काम पर ध्यान दे। पपन, हाँ? कल किरण को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तुझे स्टेशन जाना पड़ेगा। अरे उस काम के लिए पप्पन को काहे भेज रहे हैं? वो काम तो हम ही कर दूंगा साले कल सुबह जाके। क्या कहा तुमने? मुंह से निकल गया, जब हम डरते हैं तो बाप को भी साला कह देते हैं। मल्लू सिंह के सामने ना अपनी जबान जरा सोच के खोला कर, वरना बाद में बहुत पछताएगा। काहे हरी, हम अर्चना की शादी कैसे रुकवाए थे शायद ही तुम भूल गए हो, पर हम तुमको याद दिलाएंगे। अभी तक हुआ नहीं क्या तुम लोगों का? अब तुम लोग जरा जल्दी करो ना। चल भाई, तू भी आ। इस पगड़ी को पहनकर 5 मिनट में 5 बार पानी निकाल चुका हूँ। तो फिर इसे उतार कर दूसरी जगह बांध ले। कह तो ऐसे रहे जैसे इसके सर पर पेशाब का टैंक रख दिया हो किसी ने। हाँ नहीं तो सब टेंशन से हो रहा है। हाँ सच में, लेकिन भेष बदलने वालों की तारीफ करनी पड़ेगी। दाढ़ी बहुत खुजली दे रही है यार। मुझे भी। चाहे कुछ भी हो लेकिन तुम दोनों लग एकदम सरदार रहे हो। अरे मेरे भगवान, दुनिया में किसी सरदार को इससे बदतर शक्ल कभी नहीं दी होगी तूने। और खुश भी हो रहे हैं सर। अगर वो लोग सीधा तरह से नहीं माने ना तो ये बोतल दिखा देना। ये क्या है? जहर है। अच्छा, अगर आपने शादी की तो शादी की जहर पीकर यहीं पे फांसी पे लटक जाऊंगा। लटक जाएगा। पकड़ो। हाँ। बस ऐसे ही कहना है वहाँ। हेलो, इस तरह तरीके से कहना। हाँ। ओवर मत करना वहाँ। ये जरूर करेगा, ओवर जरूर करेगा। जरूर बात नहीं है, लेकिन क्या वो भरोसा करेंगे? करेंगे, एकदम भरोसा करेंगे। अच्छा तो बताओ तुम दोनों का नाम क्या है? मैं कार्तिक। मैं पप्पन। और ये सुशील। अरे नहीं है क्या? कचरा कर दिए। ये वीनू सिंह, सुकू सिंह। अभी वीनू सिंह और सुकू सिंह दोनों बिहारी में पंजाबी बोलेंगे। पास क्या कहा? मुझे तो बिहारी में पंजाबी बोलनी आती नहीं है, सच में बिल्कुल नहीं आती। पंजाबी ठीक से बोल दे बस। मैं सिखाता हूँ तुम्हें, इट्स वेरी सिंपल। वो है ना। हाँ बता ना। ओहो, दुनिया की कोई भी भोजपुरी भाषा बोल देना, बस मल्लू की बहन किरण की शादी रुकवानी तुम्हें। समझ गए कि नहीं समझे? बस इतना ही। ऐसे कर दोगे मेरे को? जो कहे हैं वही सीधा तरह से बोल देना। चलो किसी भी तरह से आज ये शादी रुकनी है। चलो बेटा बेटा। हाँ क्या, वो तो बताओ। हे भगवान, सुकु सिंह और विनु सिंह को बचा लेना। पुत्र रोकता सही, मेरी बात तो सुन। मैं जानता हूँ ये शादी उसी ने करवाई है, तुम बीच में मत पड़ो। मां पकड़। ओए पप्पन, एक बात बता, वो कीर्ति था ना जिसने कहा था कि अगर किरण से शादी हुई तो आत्महत्या कर लेगा? नहीं नहीं, वो कार्तिक नहीं था, वो दो सरदार थे, एक था वीनू सिंह एक सुकू सिंह। वो तू कैसे जानता है? वो क्या है कि वो दोनों सर पे पगड़ी पहने हुए थे। वो दोनों सरदार थे, ये बात मैंने इसे बताई। मैंने गाँव वालों से पता किया था। मुझे क्या करना है मैं जानता हूँ। चलो तभी साथ चल, मैं अकेला क्यों जाऊं? चल। सुन बे, जरा तुला राशि का राशिफल बताना मुझे। हाँ तुला राशि। हाँ तुला। धन हानि, मान हानि, प्रियजनों से पिटाई, पेट में दर्द, बवासीर, रक्त प्रसाव आदि रोग होने की संभावना है। इससे तो अच्छा होता कि मौत ही लिख दिया होता। क्या? शुक्रवार और शनिवार का दिन शुभ है, ऐसा इसमें नहीं लिखा है। आज कौन सा दिन है? शनि। ज्योतिष शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलता बेटा, शनि सामने से ही आ रहा है। शनि हमेशा लेकर जाता है। कौन देगा? मैं दूंगा। सुशील, मैं अभी आया, मुझे किसी ने बुलाया है।
अपन। हाँ बोलो। किस हरामजादे ने मेरी बहन की शादी रुकवाई? अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है उसे, कितने दिन छुप के रहेगा वो मुझे? जिस दिन सामने आया ना, सारा हिसाब किताब बराबर कर दूंगा। हाँ आ जाएगा। बच नहीं पाएगा वो। तो हिसाब चुकता करने आए हो? हाँ कहते हैं उससे। तू हाँ ही समझ। मैंने भी हिसाब करके रखा है, अब तक का हिसाब हुआ है 14,343 रुपए। बाकी दो दिन में दे दूंगा। वो कह रहा है बाकी के पैसे दो दिन में दे देगा। मैंने तुझे पहले भी कई बार कहा है, मेरी बहनों से बदतमीजी मत कर, इसके बाद मुंह नहीं हाथ चलाऊंगा। आगे से कभी याद नहीं दिलाएंगे, समझा? असली बाप भाई को परेशानी नहीं है तो इस डुप्लीकेट को क्या परेशानी है? बकवास की ना तो जबान खींच लूंगा। अरे नहीं, आओ आओ। तुम उसको ऐसा काहे बोला? मैं तो चेक कर रहा था असली है या नहीं, ये असली है। हरिंदर चेक करना जरूरी था भी। ओए अनिल आ रहे हैं। एम्बुलेंस को रोका लेकिन वो रुकी नहीं, लेकिन जरूरत का सारा सवाल ले आया। कहाँ कहाँ चोट लगी बता? अरे तुझे तो कहीं चोट नहीं लगी। नहीं है? आज झगड़ा नहीं करने का सोचा था। किसने? तुमने? नहीं उसने। तब तो ये सब बेकार हो गया ना। अरे सुनो, चौराहे पे जरा रोक देना, हमको अपने गांव में मनी ऑर्डर करना है। भैया आपका घर कहाँ है? झुमरी तलैया। घर में कौन कौन है? घर में एक छोटकी बहन और दादी माँ। दिखाओ मुझे। दिखा ना, दिखा। अच्छी मुझे दो। दिखने में तो बहुत सुंदर है भैया, तुम भी देखो ना भैया। इनकी शादी हो गई क्या? नहीं, वो एक लड़का से प्यार करती है बचपने से, बोलती है शादी करेगी तो उसी से करेगी। प्यार मार डालता, अगर मैं तेरी जगह होता तो। मार सकते हैं, लेकिन वो भी अपना ही खून है ना, और वो इतना आसान नहीं। अगर उसमें थोड़ी अकल होती ना तो वो कई बातों को समझती, या तुझे समझना चाहिए। अपन हाँ? गाड़ी रोक। तुम लोग जाओ। हाँ मुझे कुछ जरूरी काम है यहाँ। इतने दिनों बाद भी तुम ये नहीं कह सकते कि वो हरी है या नहीं? ठीक है छोड़ो उसे, कम से कम पूजा से तो बात करनी चाहिए थी। उसको पटाकर ये पूछने के लिए कि हम उसको भगा कर ले जाएं, इसमें खाली दो दिन लगेगा। लेकिन जब वो भाई के बारे में बात करती है तो बहुत बोलती है। अब वो दोनों का प्यार देखते हुए हमको पूछने का हिम्मत नहीं होता। कुछ गलत हो गया तो? तुमने समझ क्या रखा है? दिया हुआ टाइम खत्म होने वाला, कोर्ट का टाइम निकल गया तो जमीन उसके हाथ से निकल जाएगी, फिर बंगला करते रहना। सुनो तुम एक काम करो। ओए तू इधर आवे, मेरे पास एक मस्त आइडिया है। फिलहाल के लिए इस लड़के को वहाँ ले जाकर दिखा दो। इंडो सल्फर को सूंघने की वजह से हाइट बॉडी छोटी गई, कह देना हमारा काम होना चाहिए बस। भैया इनकी बात मान लो, जमीन मिलते हैं उसे बेच देंगे, उन्हीं पैसों से एक रीमेक फिल्म बनाएंगे और फिर लड़कियां पटाएंगे। रीमेक करके एक दूंगा साले तो। पता था मुझ जैसे जीनियस की बात कभी नहीं मानोगे। इसका खून भी दौड़ रहा है या नहीं यार? मजाक छोड़ो यार। सुनो तुमने कहा था कि तुम्हारा हरी और वो कमीना हरी दिखने में एक जैसे हैं। हाँ है? तुम जाकर अपने हालात हरिंदर सिंह को बताओ और उसे अपने साथ कोर्ट के सामने खड़ा कर दो, बस प्रॉब्लम सॉल्व। हरी जैसा और कोई नहीं, हमको बस वही हरी चाहिए, नहीं तो इतने दिन तक हमारी बहन का इंतजार बेकार होगा। अब देखो कल से एक नया गेम शुरू होगा। सफर में मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई, हम कहाँ आ गए? यही तो है हरी का घर। यहाँ पर तो कोई नहीं दिख रहा। पपन आज सब लोग को गुरुद्वारा लेकर गया है, खाली हरी घर पर है। आओ
तो यही है तेरी बहन? हाँ। तुम परेशान मत हो अर्जुन, अगर वो तुमको भी नहीं पहचाना है तो जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा। जानती हो, सब लोग को बुलाकर हम सच बता दें इसके बारे में हम कई बार सोचे हैं, लेकिन हरि का छुपा छुपी का कारण जाने बिना कैसे बोले। तुम देख लेना, हम उसको वापस लेकर जाएंगे, अपने पुराने हरि को। हमारे सब सवालों का जवाब वहीं पर है, उस हरिंदर सिंह के घर में। हमारा खेल वहीं से शुरू होगा। मेरा हालत समझने के लिए यहाँ पर तुमसे करीबी और कोई नहीं है। बस इतना ही कह सकते हैं हम तो कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो फिर ऐसे में उसको अकेले कैसे छोड़ देते वहां पर, इसलिए उसको यहाँ बुला लिए। कोई बात नहीं, वो एडजस्ट कर लेगी। हम लोग परेशानी लेकर पैदा हुए हैं, रात गुजारने के लिए कार्तिक का घर मिल ही गया है, इतना कम है क्या? सब ठीक हो जाएगा। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही निर्भर है, हम जैसा कहें बस तुम उतना काम कर दो। तुम्हें देख के तो ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें इतना दिमाग है। ये दाल फ्राई खाने से चलते चलते पोटी आ जाती है। लगता है कुछ गड़बड़ है, अगली बार पता नहीं कब संडास जाने का मौका मिले। हमारा पिछवाड़ा तोड़ने के लिए मल्लू सिंह आ रहा है, साथ ही अपनी बहन और माँ को लेकर आया है। तुम लोगों ने उसकी बहन के साथ छेड़खानी करी है ना, तुरंत यहाँ से भाग जाओ, अगर वो यहाँ पहले आ गए तो तुम लोगों को काट डालेंगे। चल हट सामने से। हे भगवान, पक्का ये लोग मुझे ढूंढती हुई आ रही है। यार बहुत डर लग रहा है, लगता है नीतू ने सब कुछ बता दिया। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाकर छुपूं? मेरी छाती में आकर छुप जा। हट ना। अरे मैं कहाँ जाकर छुपूं? कहाँ पे हट पे छुपूं? पैरी पैंदा माजी। हाँ पुत्र, वो कहाँ है? वो यहाँ पर नहीं है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। जब आपको सारी बात पता चली गई है तो आप ऐसा ही क्यों नहीं समझ लेते, है ना? हाँ। नहीं, बुलाओ उसे। जी सुनो, माँ जी बुला रही हैं। तू यहीं छुपा है क्या? अरे देख, तुझे देखने के लिए कितने लोग आए हुए हैं। कहाँ पर है तू? कहाँ है वो देखता हूँ। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं सोच रही थी कम से कम तुम्हें तो थोड़ी बहुत अकल होगी, पर तुम्हारी भी ना अकल कास चढ़ने गई हुई है। माँ जी, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने जानबूझकर कोई गलती नहीं की, मैंने तो कई बार उनको मना भी किया था। मुझे कुछ नहीं सुनना है, कहाँ है वो? अरे सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। मम्मी मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया, अब बाकी का काम देखने दो। मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, अब तुम्हारी बारी है, देखता हूँ तुम कैसे सॉल्व करते हो। अब अपनी ये खुसर पुसर बंद करो। अनिल कहाँ है? मैं उसे ढूंढने आई हूँ। हो नहीं तो क्या, कोई ऐसा भी करता है? वो भी इतने जवान आदमियों के बीच में कोई कैसे किसी जवान लड़की को यहाँ ला के रख सकता है भला? मैं पूछती हूँ अनिल। अपनी प्रॉब्लम तो मैं खुद ही सॉल्व करूंगा, तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ। ये हरी की माँ है। जींदी रहे पुत्र। बेटी सारा सामान लेके तू हमारे साथ घर जा। माँ जी वो। तू चुपचाप खड़ा रह, मेरे घर में भी ऐसी जवान बेटियां, ये हमारे साथ रहेगी। चल बेटी, तू चिंता ना करी, अनिल भी घर पे आता जाता रहता है। माँ, तुम सब आखिर जा कहाँ रहे हो, वो भी बिना मुझे बताए? तैनू कुछ कहने की लोड़ नहीं है, मैं फैसला कर लिया, ये हुण साडे नाल ही रहेगी। आओ बेटी,
चलो। दीदी मेरी शादी के बाद ही तुसी जाना। अच्छा मैं अपनी शादी यहाँ तक मेहंदी लावांगी। अभी बच्ची है, शादी में टाइम है। तुम्हारे भैया ने अब तक शादी क्यों नहीं की? पहले भैया हम बहनों की शादी करेंगे, फिर अपनी शादी करेंगे। और इसे देखो शादी की कितनी जल्दी है। पर दीदी किस दिन ब्याह करोगी? मैं जान दिया दीदी नो किसी नाल प्यार रहेगा है ना। मेरी शादी के बारे में तो मेरे माता पिता ही सोचेंगे ना, ये फैसला मैं कैसे कर सकती हूँ? देखते हैं क्या होता है। फिर मेरे प्राणाली ब्याह कर लो। अरे पर मैं पंजाबी नहीं हूँ। कोई जरूरी है कि पंजाबी से ब्याह करो? ये फैसला मैं कैसे कर सकती हूँ? तुम्हारे भैया की मर्जी का क्या? हम अगर कहेंगे तो हमारे भैया जरूर मान जाएंगे। ए पपन, हाँ ये मल्लू के पापा ने हम लोगों को एक साथ क्यों बुलाया है मुझे समझ में नहीं आ रहा। लगता है सामूहिक विवाह प्लान किया होगा उसने, घर में इतनी सारी लड़कियाँ जो भरी पड़ी है उसके। भैया वैसे शादी करने की उम्र क्या होती है बताओ ना, बोलो ना। पपन जरा गाड़ी तो रोकना। क्यों? एक सामान उठा के नीचे फेंकना है। हाँ फेंक दो फेंक दो। फेंक दिया। जाओ तुम लोग जाओ, सब लोगों को खड़ा करके काट देगा वो, जाओ। तुम सब लोगों को मैंने साथ में एक खुश खबर देने के लिए बुलाया है। हम लोगों ने आज तक इसकी शादी का बहुत इंतजार किया, कितनी लड़कियों के रिश्ते आए, पर ये राजी नहीं होता था। जरूर कोई कमी होगी इसमें। चुप कर, हर लड़की में कमी निकाल देता है, पर इस बार हमने इसे पूरी तरह से जकड़ के रखा हुआ है। हमने एक लड़की पसंद की है और अब तुम सब साथ मिलकर इसकी शादी करवाओगे। ओ किथे है वो, बुलाओ नू। ये साला तो ठीक है, अगर हमारी प्रॉब्लम में दखल करेगा तो क्या? तो उसके पैर पकड़ लिया करेंगे। आप लोगों ने ये सोचा भी नहीं होगा, तुम्हारा कोई नहीं है, ये सोचने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के बारे में हमें और जानना भी नहीं है भाई, हमको बिटिया पसंद है। अब हम सब मिलकर खुशी से इसकी शादी करवा देते हैं। ला बे, ये छोटा सा शगुन है, ले लो। माफ कीजिएगा लेकिन ये शादी नहीं हो सकती। आप सब लोगों को फैसला करने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था। वो हमने सोचा कि मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूं, आप लोगों ने जो कुछ भी किया उसके लिए आपका धन्यवाद, लेकिन मेरी बहन की शादी बहुत पहले ही किसी से तय हो चुकी है। कितनों की आत्माएं ये देखने के लिए भटक रही होंगी, पता नहीं वो कभी वापस आएगा भी या नहीं, पर हम लोग तो आज भी उसका इंतजार कर रहे हैं, अपने हरि का। सच कहें तो हम लोग यहां पर आए थे अपने हरि को। बहुत हो गया, दोनों भाई बहन मिलके यहाँ नाटक रचा रहे हो। वो कहती है कि वो इस शादी के लिए राजी है और तू कह रहा है कि वो किसी और का इंतजार कर रही है। तुम लोग बेचारे हो ये सोचकर तुम लोगों को इस घर में हमने पनाह दी थी, लेकिन तुम सर पे नाच रहे हो। इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ और इस घर के आस पास भी मत दिखना। पुत्र। बस माँ, अब बीच में कोई नहीं बोलेगा, इन दोनों को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। सबसे मिलकर आ गई ना, एक बार उसे देखना चाहती हूँ। किसे? हरिंदर सिंह को?
पर क्यों? वो अपना हरि नहीं है अर्जु, हम यहां पर हार चुके हैं, उसे ही जीतने दो। इतना सब होने के बाद भी उसने हमें नहीं पहचाना। हाँ, नहीं पहचाना। हरि तुम लोगों को नहीं पहचान सकता, क्योंकि तुम लोगों का हरि अब नहीं रहा। मैंने सोचा था ये शादी हम लोगों के बीच एक खुशी बन जाएगी, लेकिन तुम लोगों को तो हरिंदर सिंह की मौत चाहिए ना। पिछले 7 सालों से मेरे मन के अंदर एक तूफान उठ रहा है। तुम लोगों को निकालने के बाद भी मुझे वो शांति नहीं मिलेगी, पर मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं है। कोई मदद नहीं कर सकता मैं तुम्हारी। हरि, हाँ, मैं हरि ही हूं। अगर मैंने ये मान लिया तो इसी समय हरिंदर यहां मर जाए। हरि, एक मुजरिम की तरह भेष बदल कर रह रहे हो। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। पप्पा के मरने की वजह तुम नहीं हो, यह हम सब जानते हैं। तुम उनके हत्यारे नहीं। वापस आने के बारे में मैंने कई बार सोचा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मेरे बस में नहीं है ये। अब यही मेरे हालात हैं। तुम बताओ मुझे, आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हो? बताओ मुझे, आज तक मैं सिर्फ तुम्हारे सहारे जी रही थी। वही बताने के लिए मैं यहाँ हूँ। हरि को ढूंढने अब दोबारा यहाँ मत आना, क्योंकि वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। सच सुनना चाहते हो? अंकल की मौत के बाद जब मैं डरा हुआ था, तब लोगों से बचते हुए मैं गांव छोड़कर भाग रहा था। सोचा था कभी तो वापस आऊंगा, लेकिन उस रात गाड़ी रोकिए प्लीज। मैं आपके साथ आ सकता हूं? असल में वही हरिंदर सिंह था। बहुत बात की उसने मुझसे, मेरे बारे में जानने की बजाय वो पूरे रास्ते अपने और अपने परिवार के बारे में बताता रहा। ये है मेरी फैमिली, पापा पंजाबी ते माँ बिहारी है। ए विचकार मैं खड़ा, ये मेरी भैणा ने। करीब 10 साल का था जब मैं घर से भागा था। क्यों, क्या हुआ था? चोरी की थी 10 साल की उम्र में, दोस्तों के सामने टशन दिखाने के लिए। घर में ही बाबूजी के बैग से कुछ पैसे चुरा लिए थे, एक साइकिल खरीदन लगी, साथ खूब मार पड़ी थी। पैसे चुराने के लिए नहीं, झूठ बोलने के लिए मार पड़ी। झूठ बोलने पर बाबूजी को बहुत गुस्सा आता है। बस वो दुख शर्मिंदगी हुई और मैं भाग निकला। वापस आने की कभी हिम्मत नहीं हुई। वापस लौटने का मैंने कई बार सोचा, लेकिन सीने में पश्चाताप की आग थी। हाथ भरकर पैसे कमाने के बाद खड़ा हो जाऊंगा बाबूजी के सामने और तब माफी मांगूंगा। आज मैं वहीं जा रहा हूं। बाबूजी बहुत कर्जे में हैं आजकल, वो सब चुकाने हैं, फिर बहनों की शादी करनी है। मेरे बहुत सारे सपने हैं। क्या वो जानते हैं तुम वापस आ रहे हो? और क्या, मैंने सब बता दिया था, वहाँ सब लोग मेरी राह देख रहे हैं। ये तुम साडा पैसा नहीं लौटाया, सानू पता कि पैसे किवें वसूल करने हैं। मैं आपसे जी सिर्फ 5 दिन का वक्त मांग रहा हूँ, मेरा बेटा आ रहा है जी। वो तुम्हारे सारे पैसे चुका देगा। अरे उसके आने का कोई भरोसा भी है? अगली बार आवांगे तो मूल दे साथ साथ ब्याज भी लेवांगे, और वो किस तरह वसूलना है अच्छी तरह जानते हैं। क्यों, वो मुझे पहचान तो लेंगे ना? तुम उन्हें पहचान तो लोगे ना? तो मैं क्यों नहीं पहचानूंगा उन्हें? और वो भी तुम्हें पहचान लेंगे। तुम भी मेरे साथ चलोगे क्या? साथ बना रहेगा मेरा? मैं तो मजाक कर रहा हूँ। हरि, तुम ये गाड़ी चला सकते हो क्या? हाँ। ये लो। चलते हैं।
अगर तुम चाहो तो सो सकते हो। मुझे नींद नहीं आ रही, मैं आंख बंद करके सिर्फ सपने ही देख सकता हूँ, वही सपना जो मैंने कई सालों से देखा, मेरा परिवार। एक ही रात दो मौतें हुई, अनजाने सही सही, लेकिन उन दोनों मौतों का जिम्मेदार मैं ही हूं। मैं उस रात टूट गया था। उसके बाद हरिंदर के बाबूजी को सब कुछ बताने के लिए मैं यहां आया, लेकिन
ये है मेरा बेटा हरिंदर। हरिंदर सिंह, अब मैं जीऊंगा, जीकर दिखाऊंगा, क्योंकि अब ये मेरे साथ रहेगा। कैसे कह सकता था मैं उस बाप से कि मैं उसका बेटा नहीं हूं? नहीं कहा, आज तक मैंने वो नहीं कहा। अगर मैंने अब कहा कि मैं उनका बेटा नहीं हूं तो वो मर गया ये भी मुझे बताना पड़ेगा। अब मैं उनका हरिंदर हूं, उनका भरोसा, उनका सपना। अब ये परिवार मेरी जिम्मेदारी है। भले ही हरिंदर की मौत एक एक्सीडेंट थी, लेकिन उसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूं। खुद हरिंदर है। एक बेटा अपने बाप के लिए इतना सब नहीं करता है जितना तूने हमारे लिए किया है। मेरी बेटियों के लिए तू एक अच्छा भाई बना है। इतने दिनों तक ये सच मैंने आपसे छिपाया, लेकिन जानबूझकर नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हुई भाऊजी। तुमने सही काम किया। बस मेरी एक प्रार्थना है, अपनी माँ और बहनों को यह बात कभी मत बताना। वो लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुमने उनकी जिंदगी उन्हें वापस दे दी जो कई हद तक वो गवा चुके थे। उसे दोबारा हमसे बचे। सात साल तक तुमने मेरे बेटे के लिए जिया, अपनी जमीन के लिए, अपने लोगों की जिम्मेदारी लेना एक सिख का धर्म होता है। तुम्हें लोगों के साथ जाना अभी तुम्हारी वहां जरूरत है। ये मेरी तुमसे प्रार्थना है। मैं दोबारा अपने पुत्र का इंतजार करूंगा कि मेरा बेटा मेरे पास वापस आएगा। मैं वापस आऊंगा बाबूजी, लेकिन इस बार मल्लू सिंह नहीं बल्कि आपका बेटा हरिंदर सिंह होगा। सर्वेयर जी, जितना मैंने दिया बस उतना ही है। कल तुम लोग कोर्ट में यह फाइल जमा कर देना। इस बार आगे अपील करने के लिए वहाँ उस घर में कोई नहीं बचा। जो थे वो सब मर चुके हैं। पहले को लाने के चक्कर में दूसरा भी भाग गया, अब वो भी लौट कर नहीं आएगा। और अब इस जमीन का हिसाब लेने के लिए कोई भी नहीं आएगा, समझ गए ना? हे,
बहुत साल की उम्र है तुम्हारी, अभी हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे, हमने सोचा यहाँ पर एम्बुलेंस आएगी। अच्छा सुनो, कल कोर्ट का फैसला है, इसीलिए हमने तो अपना काम शुरू कर दिया है। अच्छा हुआ कि तुम भी आ गए हो, क्योंकि किसी न किसी को तो गवाही देनी ही पड़ेगी। गवाही ना, वो तो मैं लेकर आया हूँ, देखो। तुम बिल्कुल सही जगह पर, सही समय पर आए हो, किसी ने भी तुम्हें यहाँ जिंदा नहीं देखा है, ये सब के सब मेरे आदमी हैं, ये सब कल जाकर कोर्ट में गवाही देंगे कि ये जिसे लाया था वो जिंदा हरी नहीं बल्कि उसकी लाश थी। बहुत भरोसा तुझे खुद पर, हाँ, लेकिन ज्यादा देर नहीं रहेगा क्योंकि तेरा खेल खत्म हो चुका है। वो कुछ नहीं कर सकता। हरि पर एक तिनका भी गिरने से पहले तुम्हें हमसे भिड़ना होगा। अरे खड़े क्यों हो, मार डालो सबको। Thank you.
लूटने आया था मैं तुम सबको, लेकिन जिंदा छोड़ रहा हूँ। वापस आने का वादा दे चुका हूँ। आगे की जिंदगी अब रेंग कर बिताना। दोबारा इस जमीन पर दिखे तो जान से जाओगे। साले, अबे ओ साले, ओए मल्लू सिंह, ये यहाँ बहुत रह चुकी है, अब इसे मैं ले जाऊंगा। पूछ कर देख ले, अगर ये चली गई तो मान जाऊंगा। मैं इसे बुलाऊंगा तो ये जरूर आएगी। इसे नहीं, इसे मैं बुलाऊंगा तो ये जरूर आएगी। ऐसे ही अगर हम भी बुलाएंगे तो ये जरूर आएगी। अच्छा भैया, मैं क्या करूं, रुकूं या जाऊं? तेरी तो